अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन चैनल। आज आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी है जो कि यूएई से रिलेटेड है। यूएई के जो बिज़नेस है उन्हें कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया है, इससे रिलेटेड है। तो न्यूज़ सुनाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो न्यूज़ की डिटेल्स में हम चलते हैं। आज से जो है वो ये ऐलान कर दिया गया है कि दुबई को कम्प्लीटली 100% ओपन कर दिया गया है। इससे पहले भी जो है वो ये न्यूज़ आई थी जिसमें दुबई को जो था वो 50% कैपेसिटी के ऊपर ओपन किया गया था। जितने भी बिजनेसेस, मॉल्स वगैरह थे उन सबको 50% कैपेसिटी के साथ ओपन किया गया था। लेकिन आज से जो है वो ये न्यूज़ आई है कि दुबई को जो है वो फुल 100% कैपेसिटी के ऊपर ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ट्यूसडे था यानी कि 2 जून, उसके उस पर जो है वो कोई भी क्या कहते हैं, जो इनकी कमेटी होती है जो चेकिंग वगैरह करती है, तो उस चेकिंग में कोई भी जो है वो इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। यानी कि हर तरह से दुबई जो है वो कम्प्लीटली रूल्स को फॉलो कर रहे थे। जितने भी बिजनेस है दुबई के वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो कर रहे थे। कोई भी इस तरह की चीज़ उन्होंने नहीं देखी जो कि रूल्स को फॉलो ना कर रही हो। तो कोई भी यानी कि केस वार्निंग या कोई भी फाइन जो है वो इशू नहीं किया गया 2 जून को। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने अब फुल कैपेसिटी के ऊपर जो है वो दुबई को ओपन कर दिया है। जितने भी दुबई के जो मॉल्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनके अंदर 100% कैपेसिटी के ऊपर सब चीज़ों को खोल दिया गया है। और इसके लिए जो टाइमिंग है वो भी अनाउंस की गई है, यानी कि आप मॉर्निंग सुबह 6 से रात के 11 बजे तक आप काम कर सकते हैं, इसके बाद आपको अलाउ नहीं है। तो जितने भी बिजनेसेस हैं अभी उनके ऊपर है कि वो अपनी टाइमिंग किस तरह से एडजस्ट करते हैं, उनकी जो जो टाइमिंग है वो उस लिहाज से अपने बिज़नेस को ऑपरेट करेंगे। तो ये आज की अपडेट थी जो कि आपसे मैंने शेयर की। मज़ीद ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।